दोस्तों ये सामान आ गया मम्मी के लिए सूट आ रहा है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग करते हैं सुबह के 10 बजे से, और आज हम जा रहे हैं मम्मी और मैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए सदर बाजार। तो सदर बाजार में सेकंड या थर्ड बार जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो इतनी रश होता है वहाँ पर और इस वजह से मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। बट हमने सोचा इस बार चलते हैं सदर बाजार में, देखते हैं क्या हो क्या क्या आ रखा है, और थोड़ी सी दिवाली की शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि इस घर में हमारी दिवाली फर्स्ट टाइम है, तो क्यों ना फर्स्ट दिवाली हम अच्छे से मनाएं। तो इसी वजह से हम शॉपिंग करने जा रहे हैं सदर बाजार। तो चलो चलते हैं, और अभी हम रेडी होते हैं फटाफट से और फिर निकलते हैं मम्मी और मैं। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं मम्मी और मैं, तो चलो देखता हूँ जहाँ तुम ही तुम हो, देखता हूँ। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं सदर बाजार के लिए, हमने यहाँ पर रिक्शा लिया है, तो यहाँ से रिक्शे से हमें 10-15 मिनट लगता है। तो मेट्रो से जाते जाते ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर हम बहुत देर से ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं, तो आजकल ज़्यादा ही भीड़ है। तो ये लो जी, हम पहुंच चुके हैं सदर बाजार, और यहाँ मार्केट की आप देखिए कितना सही सुंदर लग रहा है यार, मतलब पूरी डेकोरेशन हो रखी है, सारे दिवाली का सामान मिल रहा है, और साथ ही साथ इतनी भीड़ भी है। अपन आपको रंगोली, लक्ष्मी माता के पैरों के स्टिकर्स वगैरह सब मिल जाएगा, और ये ना सब ना होल सेल में, तो दर्जन में आपको मिलता है यहाँ पर सामान। तो घर को सजाने के लिए इस टाइप के आर्टिफिशियल फ्लावर्स और पूजा का जितना भी सामान है आप यहाँ से ले सकते हैं, और पता है इतने सही सही है, और मतलब इनके प्राइस भी इतने रीजनेबल है कि आप आराम से ले सकते हैं। तो बहुत सारे डेकोरेशन का दिवाली के लिए सामान आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप जब भी सदर आओगे तो देख लेना। तो आपको यहाँ पर लाइटिंग के लिए लड़िया वगैरह सब मिल जाएगी, बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइन में लड़िया थी, और इतनी रीजनेबल प्राइस में आपको आराम से मिल जाएगा, और दर्जन में लेना तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगे ना वो रोड साइड में भी लगे और शॉप में भी लगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर लाइट्स है, और पता है इतनी अच्छी अच्छी लाइट्स लगती है, और उनके रेंज अगर देखे तो 100 से कम ही में थे। और यहाँ पर हमने तोरण लिया था दरवाजे के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर थे मिट्टी के दिए जो इतने सुंदर थे, मतलब बहुत ही अच्छा, सबका अलग अलग डिज़ाइन था, और इनका ना रेंज इतनी सही थी, 60 या 70 रुपीज़ दर्जन थे। अब मम्मी और मैं जा रहे हैं बर्तन वाली गली, यहाँ से भी हमें कुछ थोड़ा सा पूजा का सामान लेना है, तो यहीं पर आए। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं घर को, हमारी शॉपिंग हो चुकी है, और यहाँ पर इतनी भीड़ है ना, मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा, थोड़ा बहुत ही दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखाया। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन में पहुँचते ही हमने ले लिया यहाँ पर स्वीट कॉर्न्स, तो चलो अब चलते हैं, फिर आपसे मिलते हो। तो दोस्तों अभी हम घर आ चुके हैं, और अब लगता है काम पे, मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ, तो मम्मी को चाय पिलाती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको सामान हमने क्या लिया था। वैसे थोड़ा बहुत सामान लिया, ज़्यादा नहीं लिया सामान, क्योंकि एक तो इतना रश था, ऊपर से आप लोग भी अगर जाओ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ध्यान से जाए, और ज़्यादा वीडियो भी मैंने वहाँ पर शूट नहीं करी। चलो पहले चाय बनाते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ बन रही है हमारी चाय, और उसके बाद थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद टाइम अभी 4:30 बजे हो गया, फिर करते हैं अपना काम, अपना आर्ट वर्क कुछ काम करते हैं सुबह से, तो उस काम पे लगते हैं, फिर इसके बाद खा पी के। A few moments later. तो दोस्तों ये हमारा पोटली बैग जिसमें हम सामान लेके आए थे, तो इन सामान को निकालती हूँ मैं, थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ क्या क्या लाए थे, और जल्दी से फिर इनको रख देते हैं, अब दिवाली में ही इनको सबको सजाएंगे, अभी इनका यूज़ नहीं है, सारे पैक कर देते हैं। पैक क्या करना है, एक हफ्ते बाद दिवाली आ ही रही है, तो अब यूज़ करेंगे, तब तक सब रख देते हैं। तो हमने कैंडल्स लिए हैं, और डेकोरेशन का सामान के लिए, जैसे ये मंदिर में लगाने के लिए नीचे पेपर के लिए, ये सब लिए है, छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत थी। तो चलो पहले मैं निकाल देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों यही हमने सामान ले रखा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया है, यहाँ पर दिया के लिए हमने ले रखा है मंदिर का, ये मंदिर का सामान है, ये दिया है, और ये मंदिर के लिए जितने भी हमारे पास मूर्ति है ना छोटी छोटी, उनके लिए हमने ना सबके लिए ले रखी है माला, और यहाँ पर लड़िया वगैरह।
तो ये छोटी मोटी चीज़ें हमने ली नहीं है, बस थोड़ी बहुत ली है जो हमें चाहिए थी। अब हम करते हैं मंदिर वाला सामान अलग को, और जो वैसा है सजाने वजाने का वो अलग करते हैं। तो यही था सामान, अगर आप भी सदर बाज़ार जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी वहाँ सजाने के तरीके से, तो आप ले सकते हो। तो हमने तो इतने लिया, हमें जितनी ज़रूरत थी उतना ही लिया, आपको आपकी मर्ज़ी है। तो चलो पहले इनको रख देते हैं सामान को, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम बना रहे हैं रात का डिनर की तैयारी कर रहे थे, आज मम्मी बना रहे। तो ये आज कौन सी दाल बना रही है मम्मी? मूंग की दाल। तो यहाँ मम्मी बना रही है मूंग की दाल, और साथ ही साथ आज सब्जी भी बन रही है हमारी। कौन सी? पपीते की सब्जी। आज हमारी बन रही है पपीते की सब्जी। तो पपीते की सब्जी हमारी फेवरेट है, कल भी हमने पपीते की सब्जी खाई थी तो बहुत टेस्टी थी। तो आज हम मैंने फिर से बोला कि मम्मी वो पपीते की सब्जी फिर से बनाऊँ, मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मम्मी दाल बना रही है, तो डिनर की तैयारी। जो टाइम भी था 8:30 हो गए, 8 बजे, 8 बज चुके हैं। चलो खाना बनाते हैं, दिखाती हूँ आज मम्मी की पपीते की सब्जी आपको दिखाती हूँ। तो ये मम्मी लग चुकी है पपीते की सब्जी बनाने, पहले इसको कद्दूकस करते हैं ना, और उसके बाद नॉर्मल वैसे ही ना तड़का वड़का लगा, हाँ मतलब इतना उसमें वो नहीं करना, तड़का वड़का लगा के ऐसे। तो अभी कद्दूकस कर रही है मम्मी। परांठे भी बनाए आपने? कल बनाऊंगी परांठे। कल हमारे लिए परांठे बनेंगे। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ पर मम्मी ने बना दी है पपीते की सब्जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी करके है। दिखाओ ना मम्मी। तो ये हमारी पपीते की सब्जी, यम्मी। तो आज हमारा डिनर में है पपीते की सब्जी, और साथ ही साथ यहाँ पर दाल बन चुकी है, सीटी आ रही है। तो ये हो चुका है, अब रोटी बनाते हैं। रोटी की तरह आटा रख रखा है, आटा गूंदेंगे उसके बाद रोटी बनाएंगे फिर। तो मम्मी ने बना लिया खाना, तो आज मम्मी थक भी गई है मार्केट से, थोड़ा मार्केटिंग करी, घूमने गई है, फिर खाना बनाने की तैयारी कर रही है। हाँ मम्मी मार्केट से आने के बाद वॉकिंग पे भी गई है भाई, इतनी हिम्मत है मम्मी, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है भाई, बहुत जरूरी होता है ना। तो चलो अभी आटा गूंद रहे, खाना खाएंगे, मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी हमारा डिनर हो चुका था, और साथ ही साथ मेरे छोटे वाले चाचा जी आ रखे थे, मतलब जो यहाँ पर रहते हैं जोरबाग में, तो चाचा आ रखे थे। कल चाची का वो था, क्या था, करवा चौथ था, तो उसका ही मम्मी को वो मिलती है, क्या बोलते हैं मम्मी से, क्या मिलता है आपको, पता नहीं क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को हमारा हम करवा चौथ नहीं रखते ना, तो इतना पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, मम्मी को भी आइडिया नहीं है, मतलब कुछ मिलता है जैसे वो होता है ना, जो भी वो होती है अपनी सास को देती है, तो मेरी मतलब मम्मी की मतलब चाची की सास नहीं है, मतलब दादी नहीं है हमारी, तो इस वजह से जो भी बड़ा होता है उनको मिलता है, तो मम्मी को मिलता है। तो वही कुछ सामान आया, तो चाचा आए थे वही देने के लिए, अभी गए डिनर करके। तो दोस्तों ये सामान आ रखा मम्मी के लिए, एक सूट आ रखा, और ये पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं प्रसाद, हम तो प्रसाद ही कहते हैं, और ये भी प्रसाद ये मिला है, और इसमें बॉक्स में भी कुछ है, क्या मिला है, ओ अच्छा, ये मतलब श्रृंगार का सामान है, चूड़ी और जितना भी श्रृंगार का जो भी होता है वो दिया गया है, तो ये आया। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।